माइनक्राफ्ट 1.20 का अपडेट आने के बाद ये गेम टोटली 600 MB का हो चुका है एंड प्ले स्टोर पर भी ये पेड गेम है जिसको खेलने के लिए हमारे पास अच्छा डिवाइस होना जरूरी है बट माइनक्राफ्ट की कॉपीज हमारा साथ नहीं छोड़ने वाली है तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की कुछ कॉपीज जिसमें फर्स्ट है क्राफ्ट्समैन 4। इसका यूआई माइनक्राफ्ट से थोड़ा बहुत अलग है एंड इसमें हमें वर्ल्ड फ्रेंड्स और सर्वर का ऑप्शन मिल जाता है। लेट्स गो, तो अभी वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। तो मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ और इसके ग्राफिक थोड़े बहुत अलग दिख रहे हैं बट टेक्सचर माइनक्राफ्ट के जैसे ही कॉपी है एंड यहाँ पर एक शिप है। इस बार में जंगल बायो में स्पॉन हुआ हूँ तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। ये यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है अभी मुझे, यहाँ पर कुछ तो ये पजल सॉल्व करना होता है बट मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैं क्रिएटिव में हूँ। तो इसको डायरेक्टली तोड़ते हैं और मैंने गलती से चेस्ट को तोड़ दिया है। इसके अंदर कुछ ज्यादा खास सामान नहीं है एंड यहाँ पर भी एक चेस्ट है, दिखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भी कुछ ज्यादा खास सामान नहीं है। लेट्स गो, तो हम लोग कहीं और चलते हैं। तो इस वाले बायोम में मुझे एक विलेज मिल चुका है एंड ये अबेंडेड विलेज है बट ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर केव दिख रही है, पानी दिख रहा है और विलेज भी दिख रहा है। यहाँ पर मुझे कोई तो छुपा हुआ दिख रहा है। इसको खत्म करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मेरे पास है नेदरराइट की स्वॉर्ड। तो हर वीडियो में तो मैं आयरन गोलम को मार देता हूँ बट इस बार मैं इसको स्पॉन करने जा रहा हूँ। आयरन गोलम को स्पॉन किया है तो विलेजर्स भी तो होने चाहिए। विलेजर्स को तो मैंने स्पॉन कर दिया है बट पता नहीं ये गेम लैग क्यों करने लग गया। आई गेस मैंने थोड़े बहुत विलेजर्स को कम स्पॉन किए इसलिए या फिर कुछ ज्यादा ही हो गए। लेट्स गो, तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं अपना नेक्स्ट गेम जो कि है मास्टर क्राफ्ट। इस गेम का यूआई माइनक्राफ्ट से अलग है एंड सिंपल भी लग रहा है एंड इसमें स्टीव के नेम पर लड़की का कैरेक्टर है। पता नहीं क्यों इस वर्ल्ड का नेम मैंने रख दिया बेटर देन माइनक्राफ्ट। तो अभी मैं वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ एंड इसके शेडर्स एंड टेक्सचर बहुत ही अलग दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक विलेजर का हाउस दिख रहा है एंड ये थोड़ा बहुत टूटा हुआ दिख रहा है। आई गेस ये अभी तक पूरा का पूरा बना नहीं है एंड इसके अंदर तो क्या ही होगा। एक चेस्ट वैसे दिख रहा है एंड चेस्ट के अंदर एक वुडन की पिकेक्स, इसका मैं क्या ही करूंगा। इस विलेज में मैं पहली बार आया हूँ, यहाँ पर कोई विलेजर का हाउस था क्या? क्या मतलब कि मैंने इसी वुडन पिकेक्स से उसको उड़ा दिया है? ये तो फार्म के अंदर होना चाहिए, इन लोगों ने विलेज के बाहर लगा दिया है। इस गेम के आयरन गोलम को तो देखो, ये कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहा है। मेरे माइंड में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ रहा है, मैं उसको करके आपसे मिलता हूँ। लेट्स गो, तो अभी इसको एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही अलग दिख रहा है। इस वर्ल्ड का नेम मैंने अपने इस वीडियो का लाइक एम रख दिया है जो कि है 20 लाइक्स। मैं अभी किसी केव के अंदर स्पॉन हो चुका हूँ। अभी ये देखो, इस गेम के टेक्सचर भी माइनक्राफ्ट से अलग दिख रहे हैं। ये आयरन बार है और माइनक्राफ्ट में कैसा दिखता है और इसमें कैसा दिख रहा है। बट इस गेम के अंदर भी लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, इसके अंदर से एरो आर पार जा ही नहीं रहा है। ओह, मैं भूल गया था कि माइनक्राफ्ट और उसकी कॉपीज दोनों में लॉजिक वर्क नहीं करता है। ये केव कितना ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ना आपको मैं थोड़ी अपनी MLGs दिखा देता हूँ। तो अभी मैं वाटर बकेट क्लच करने जा रहा हूँ। अरे मैं मर कैसे गया? ये एक बार ही हुआ है, चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार ही ट्राई करता हूँ। अरे फिर से मर गया। गाइस थोड़ी बहुत मिस्टेक तो होती है बट अभी इसको इग्नोर करते हैं। अभी हम लोग चलने वाले हैं नेदर में। हम लोग जाने वाले थे नेदर में बट यहाँ पर मुझे एक गोरिल्ला दिख गया है एंड ये बहुत ही तगड़ा दिख रहा है। वैसे माइनक्राफ्ट में भी ऐसा आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा वैसे। चलो अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं नेदर में। लेट्स गो, तो मैं नेदर में आ चुका हूँ और नेदर के ग्राफिक भाई बहुत ही अलग दिख रहे हैं। लेट्स गो, तो इस गेम में इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग ट्राई करते हैं अपना नेक्स्ट गेम जो कि है लोकी क्राफ्ट 2024। इस गेम का यूआई भी बहुत ही ज्यादा अलग है माइनक्राफ्ट से। लेट्स गो, इस गेम के वर्ल्ड में मैं स्पॉन हो चुका हूँ एंड इसके शेडर्स एंड टेक्सचर भी अलग दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक केव दिख रही है और ये केव बहुत ही बड़ी है। पता नहीं कैसे तो मैं घूमते घूमते यहाँ पर एंशिएंट सिटी में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर वार्डन स्पॉन होने वाला है। बहुत ही बड़ी एंशिएंट सिटी है एंड लेट्स गो, अभी यहाँ पर फ्रेम के पास चलते हैं। ये फ्रेम ओपन कैसे होती है वो मुझे नहीं पता है, पर यहाँ पर वार्डन को स्पॉन करने के लिए आवाज हो रहा है अभी। लेट्स गो, तो वार्डन को बुला के थोड़ी बहुत उससे मस्ती करते हैं। मस्ती तो दूर की बात है, उससे मैं मजे लेने वाला हूँ। ये आ भी गया। अरे बेटा, वार्डन तो स्पॉन क्यों हो गया? गलती से हो गया। वैसे तू मेरे हाथ की मारी खाने वाला है। इस गेम में वार्डन स्पॉन हुआ है, इसका मतलब कि इसमें 1.20 वर्किंग है। तो लेट्स गो, तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं अपना नेक्स्ट गेम जो कि है लोकी क्राफ्ट ड्रैगन्स। इस गेम का यूआई भी बाकी सारे गेम से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये देखो, इस गेम का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है। वैसे मुझे तो ये कैरेक्टर अच्छा लगा, आपको कैसा लगा वो आप लोग कमेंट्स में जरूर से बता देना। लेट्स गो, तो मैं आ चुका हूँ अभी विलेज में और ये विलेज छोटा
थोड़ा सा ये शुरू होते ही खत्म हो जा रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग किसी को तो स्पॉन करने वाले हैं। मैंने अभी ड्रैगन को स्पॉन कर दिया है, बट ये जीरो कोऑर्डिनेट्स पर जा रहा है क्योंकि एंड में भी ये जीरो वाले कोऑर्डिनेट्स पर ही होता है, इसलिए लेट्स गो। तो गाइस हम लोग आज के वाले इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड अगर आपके पास और कोई गेम्स है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर से बता देना, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जरूर से उसको ट्राई करूंगा। एंड हम लोग आज के वाले इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।